गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको मैंने भाषा के बारे में जानकारी दी, जिसमें भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में आपको विस्तार से समझाया था। भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मैं मन के विचार जो बोलकर या लिखकर आपको प्रकट करता हूँ, और आप उसको कान के द्वारा सुनकर और देख कर पढ़ कर आप उसको समझते हैं, तो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से कल बताते हैं। एक तो मौखिक रूप, सेकंड नंबर लिखित रूप। मौखिक रूप की परिभाषा दी, जो मैं आपको मेरे मन के विचार जो बोलकर प्रकट करता हूँ तो वो मौखिक विचार कहलाएंगे, और लिखित जो मेरे मन के विचार जिसको मैं लिख कर प्रकट करता हूँ वो लिखित भाषा कहलाएगी। और कल मैंने आपको राष्ट्रभाषा के बारे में बताया कि हिंदी भाषा है और राज्य भाषा जो संविधान में मान्यता प्राप्त है, उपाध्याय संविधान में कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कुछ भाषा की मैंने आपको लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त थी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, तमिल भाषा की लिपि तेलुगु, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। और उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले व्याकरण, व्याकरण क्या होता है। जिस प्रकार हम हिंदी पढ़ते तो हिंदी में कुछ उच्चारण करते या लिखते या बोलते समय हमें अशुद्धि हो जाती है, तो इस अशुद्धि को हमें जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, हम इस अशुद्धि को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए उसकी व्याकरण पढ़ी जाती है। व्याकरण क्या है, देखो बच्चों, व्याकरण की सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध, शुद्ध का मतलब जैसे कोई शब्द होता है जैसे राम, ये शुद्ध है, ठीक है। अब मैंने लिखा दिन, ये शुद्ध है, कौन सा है, शुद्ध शब्द है। अब मैं लिखूंगा दिन, अब इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, शुद्ध है, तो ऊपर तो मैंने शुद्ध लिखा, ये है अशुद्ध। क्यों, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि देर पर छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी, इस अशुद्धि को हमें दूर करने के लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए देर पर छोटी की मात्रा आएगी, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी की, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। जिस प्रकार दिन बोलने पर उच्चारण में छोटी की मात्रा का उच्चारण होता है, लेकिन मैंने इसमें दिन बड़ी की मात्रा लगा दी, इसलिए इसमें क्या हो गए, बड़ी की मात्रा अशुद्ध है, अशुद्ध है। इसलिए इस अशुद्ध को हमको दूर करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब देखो बच्चों, किस व्याकरण की सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, जैसे मैंने दीन, कमीज, बोतल, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, रोना, ये मैं मुँह से बोलकर आपको शुद्ध वाक्य बता रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे धनुष लिखकर बता रहा हूँ, धनुष कैसे लिखा जाता है, कैसे बोतल, दुनिया, पढ़ना, हंसना,
रोना, देखना, ये सभी वाक्य है, सब है शुद्ध रूप है। अब देखो जिस प्रकार बोलना, जिस प्रकार मैंने आपको बोलकर शुद्ध वाक्य बताया, पढ़ना जिसने जिस प्रकार पढ़ा और लिखा, लिखना जिसने मैं बोलकर, पढ़ना जैसे मैं बोलकर आपको बताया उस शब्द आपको उच्चारण किए, पढ़ने का मतलब जैसे मैं धनुष, दुनिया, बोतल, पढ़ना, हंसना, रोना, देखना, राम, ये मैंने आपको पढ़कर बताया शुद्ध वाक्य। लिखना जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है ये लिखना। सीखते मतलब इसमें हमको क्या होती है, ज्ञान लर्निंग करते सीखते, तो उसको क्या कहेंगे हम, व्याकरण कहेंगे। अब व्याकरण अपन को समझ आ गया, व्याकरण क्या होती है, किसी भी शब्द को शुद्ध उच्चारण करने के लिए, ये बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, अशुद्ध को शुद्ध रूप में परिवर्तन करने के लिए, सही बोलने के लिए हमें हर सब्जेक्ट हर विषय की व्याकरण पढ़ी जाती है। जिस प्रकार हिंदी की व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण, पंजाबी भाषा की व्याकरण, राजस्थान की व्याकरण, तो कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसकी व्याकरण होती है, उस व्याकरण के अनुसार ही है वो सब्जेक्ट, उसमें शुद्ध वाक्य चेंज कर सकते हैं। अब देखो बचा लें जिस प्रकार सुनीता एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण सुनीता पतन कुंडा रहा हे, सुनील पतन उड़ा रही ए, बालक अच्छा बोलता, बोलती है, पसी सुंदर है, कविता अच्छा, गाना गाता है। अब मैंने कुछ वाक्य लिखे यहाँ पर, अब हमको क्या पता चलेगा कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हमें इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार अशुद्धि है, संख्या की है, सर्वनाम की है, लिंग की है, वचन की है, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए
हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो देखो बच्चों, सबसे नंबर फर्स्ट में लिखा सुमिता, पतंग उड़ा रहा है। अब देखो सुमिता क्या है, लड़की, सुनीता लड़की है। सुनीता लिंग में पुरुष है या महिला है, तो हमको पता चलेगा कि सुनीता नाम की लड़की है। तो एक छोटा सा सूत्र है, सुनीता अच्छा और अच्छी लिंग में पता कैसे चलता है, लिंग के बारे में अच्छा, जब अच्छा बोलते हैं तो पुरुष का बोलते रहते हैं अच्छी, अच्छी जिस वाक्य में हम अच्छी द्वारा संकेत पड़ जाता है अच्छा है अच्छी, तो उसमें पुरुष और महिला। या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसको एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग और इसका क्या नाम स्त्रीलिंग, ये भी बोल सकते हैं इसको। आप देखो बच्चों, जिस प्रकार पहला वाक्य लिखा है सुनीता पतंग उड़ा रहा है, तो सुनीता अच्छा है या अच्छी होती है, बोलो सुनीता अच्छा, सुनीता अच्छी तो क्या होती है, अच्छी, अच्छी क्या है, महिला है, महिला क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सुनीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखो अब देखो सुनीता पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा होती है, ये उड़ा रही है, रही है, उड़ा रहा, उड़ा अच्छा रही है अच्छी, तो इसमें देखो पता चलता है कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा जो मात्रा है कि रहा, इसमें आ की मात्रा ये गलत है, इसमें क्या लिंग की अशुद्धि है, जो सुनीता पतंग उड़ा रही है। दूसरा नंबर पे है सुनील पतंग उड़ा रही है। अब देखो सुनील, इसमें तो ये अशुद्धि थी जो मैंने शुद्ध कर दिया, यहाँ पर आ था तो यहाँ क्या आएगा, रही आएगा। दूसरा नंबर बता रहे हैं सुनील पतंग उड़ा रही है, तो सुनील क्या है, इसमें अच्छा है सुनील या अच्छी है, तो बोलेंगे सुनील अच्छा है, तो अच्छा क्या पुल्लिंग है, पुरुष के बारे में बहुत कर रहा है, पुरुष है अच्छा, तो पुरुष किसमें जाएगा, पुल्लिंग में। अब देखो पुल्लिंग सुनील, सुनील पतंग उड़ा रही रही है, अब रही है ने, तो यहाँ क्या आएगा, उड़ा रहा है, यहाँ रहा आएगा, क्योंकि ये अशुद्धि है। थर्ड नंबर पर देखो बच्चों, बालक अच्छा बोलती है, बालक क्या है, इसमें अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, बालक अच्छा होता है या अच्छी, तो आप बोलोगे बच्चों अच्छा होता है, तो अच्छा होता है तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग 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 और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग के बारे में बहुत कर रही है अच्छा, पुरुष के बारे में पुल्लिंग है, तो बालक अच्छा बोलती, ये क्या लेगा इसमें, गलत है, यहाँ क्या आएगा, बोलता, बोलता है, सुन बालक अच्छा बोलता है, ये शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य। फोर नंबर पे है पसी सुंदर है। अब देखो वाक्य भी क्या है, सुंदर है ये, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध, पूरा वाक्य भी क्या है, शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का शुद्धि नहीं है। पांच नंबर पे है कविता अच्छा गाना गाता है। अब देखो बच्चों कविता आपको समझ में आएगा, बोलो बच्चों क्या हुआ, कविता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पता नहीं चल रहा है, तो अच्छे कविता अच्छा है या अच्छी है, तो बोलोगे बच्चों अच्छी है, तो अच्छी है तो क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो कविता अच्छा गाना गाता नहीं गाती है, गाता क्या है, अशुद्ध है, इसमें क्या आएगा, गाती है,
इसमें असुर ये। तो क्या पता चला कि अगर हम किसी विषय में किसी वाक्य में अशुद्धि का ज्ञान कराने के लिए, बोलने के लिए शुद्ध उच्चारण, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कभी कभी हम कुछ शब्द बोलते हैं और लिखने में कुछ गलती कर देते हैं। किस लिए करते हैं? अपन कभी कभी से ये से षटकोण वाला, षटपद वाला, सड़क वाला, षटकोण वाला ये से है। अब कभी कभी क्या करते हैं कुछ लिखने में, जब ये लिखना पड़ता है तो अपन कभी ये लिख देते हैं, इस ये लिखना पड़ता है तो ये लिख देते हैं। तो देखो ये क्या होता है, इस तीनों में अशुद्धि हो जाती है। लिखना क्या चाहते हैं, लिखना दूसरा लिख देते हैं। किस लिए लिखते हैं? हमें व्याकरण का हमें नॉलेज नहीं होता, इसलिए हमें इस व्याकरण को पढ़ने से उनको बोलने में भी क्या होगा, शुद्ध उच्चारण भी हम कर सकते हैं। जैसे ये षटकोण वाला है, मूर्धन्य बोल, मूर्धन्य से बोला जाता है, इसे दांतों के ऊपर, मसूड़े के ऊपर बोला जाता है। से शेप दंत, इसको बोलते हैं दंत, ये दांत से द्वारा बोलते हैं। से इसको उच्चारण करने से अपन दांत से ये उच्चारण होता है। अब बच्चों मैंने आपको व्याकरण भाषा, भाषा के दो प्रकार और लिपि और व्याकरण के बारे में आपको बताया गया। अब कुछ विशेष इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न उत्तर आप मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है बच्चों? अभ्यास के सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाए। अब आप मुझे बताओ कि प्रश्न नंबर एक, भाषा के दो रूप है, एक लिखित मौखिक से दोनों। इसका आंसर आप बताओगे मुझे, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? एक गुजराती, ब
रोमन से देवनागरी। इसका आंसर आप बताओगे? बताओ बच्चों, सबसे पहले सही विकल्प पर राइट का निशान चिन्ह लगाइए। ये राइट का चिन्ह जिस पर लगाना है, जो वाक्य जो क्वेश्चन है वो राइट है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, भाषा के दो रूप है। अब मैंने आपको कल इसको बारे में आपको विस्तार से समझाया था कि बताए भाषा के दो रूप है कौन कौन से। तो मैंने आपको पढ़ाया, आप मन में सोच लो कौन सा आंसर आएगा। फिर आप देखो ए लिखित, बे ऑप्शन है मौखिक, से ऑप्शन है दोनों। अब इसमें कौन सा आएगा आंसर? देखो इसमें ए लिखित भाषा, बे मौखिक भाषा, से दोनों। तो इसमें दोनों होंगे क्योंकि भाषा के दो रूप है। मुख्य रूप से भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इस ऑप्शन में देखो आप, ए भी मौखिक लिखित भी आ रहा है और बे मौखिक भाषा भी आ रहा है। तो देखो दोनों आंसर आएगा। इसमें कौन सा आंसर आएगा? दोनों आंसर आएगा। तो इसमें क्या राइट है? दोनों राइट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड नंबर आप प्रश्न पढ़ो। आप जितनी देर हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, सोचो आप इसका आंसर क्या होगा। बताओ हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, सोच लिया आपने बच्चों? ठीक है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। देखो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन कौन सा है? गुजराती। दूसरा कौन सा है? रोमन। थर्ड नंबर कौन सा है? देवनागरी। तो देखो गुजराती भाषा में क्या हिंदी भाषा बोली जाती है, लिपि है इसकी? नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। बे देखो रोमन, आप हमने गुजराती की लिपि क्या बताई थी आपको? गुजराती लिपि। और रोमन किसकी लिपि है बताओ बच्चों? सोचो, अंग्रेजी भाषा की। और देवनागरी किस भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि। किस भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा लिपि। अगर ये पर्सन देगा, अब इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज करता हूँ? जैसे बच्चों यह हिंदी है, क्या हिंदी लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर इसको हिंदी वर्ड हटा दिया, रिमूव कर दिया। देखो अगर मैं इसको संस्कृत कर देता हूँ तो अभी देखो संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? देवनागरी। क्योंकि जिस प्रकार हिंदी की लिपि है उसी प्रकार संस्कृत लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। अगर मैं यहाँ पर संस्कृत इसमें एक और ऑप्शन चेंज कर देता हूँ या मैंने मराठी लिख दिया, मराठी भाषा मैंने लिख दिया, तो देखो मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती, रोमन, देवनागरी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? से वाला, क्योंकि तीनों भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। आया समझ में बच्चों? अब अगला क्वेश्चन आप बताओगे मुझे।
खेत तो मैंने के वाला प्रश्न लिखा, अब लिखूंगा खेत। इसका आंसर आप सोच लेना मन में, ठीक है बच्चों। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट देखो ऑप्शन इसमें से आपको चुनना है, ठीक है। पहला लिखा सांकेतिक लिपि, ध्वनिया, ध्वनियों का मातृभाषा। ये फाइव पांच जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको कौन सा उचित लगता है, वो उस किस ऑप्शन में आएगा, ये आपको सोचकर बनना है, ठीक है। हाथ से इशारे से किसी को बुलाना, डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर आप सोचो बच्चों, भाषा ए। खराब इसके बाद विस्तार से समझाएगा, आप सोचो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, सोचिए बच्चों आप। दूसरा नंबर है सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत, डॉट डॉट डॉट, होता है। थर्ड नंबर भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। फोर नंबर पर देखो बच्चों, भाषा का विकास, भाषा का विकास डॉट 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 के द्वारा ही हुआ है, ही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मौखिक भाषा में हा हम अपनी डॉट 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 में बात
कहते ए। बच्चों आपने इस क्लास को भी सॉल्व किया है, अब आप मुझे बताओगे। तो देखो बच्चों अभ्यास खे, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए गए, कौन कौन से? सांकेतिक, लिपि, रम्यो, काम, मातृभाषा, ये फाइव जो शब्द दिए गए, इसे फाइव इसके खाली जगह दी गई है। अब ये खाली जगह कौन से किस विकल्प में आएगी, ये आपको इसको पढ़कर आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा ऑप्शन किस में आएगा। पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर आप मुझे बताओगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, हाथ से इशारे से किसी को बुलाना, इस ऑप्शन में से कौन सा आएगा वो आपको इसमें देखना भाषा है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर संकेतित भाषा का प्रयोग बहुत डॉट डॉट कौन सा ऑप्शन आएगा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह, इसके बाद में क्या इसमें ऑप्शन आएगा है। फोर्थ नंबर देखो, भाषा का विकास खाली स्थान के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, फाइव नंबर है, मौखिक भाषा में हम अपनी डॉट डॉट कौन सा आई ऑप्शन में बात कहते हैं। आगे समझ में, अब सभी बच्चों अपने मन में सोच लो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आप इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाथ से इशारे से किसी को बुलाना भाषा कहलाता है। कल आपको मैंने इसका बारे में विस्तार रूप से समझाया कि जब किसी भाषा के मुख्य दो रूप होते, लेकिन एक तीसरा रूप प्रकार भी होता है। कौन सा प्रकार? जिसको हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते, जिस प्रकार मैं अपने मुंह से कुछ शब्द ने बोलकर या मैंने लिखकर कुछ तीसरे तरीके से, या मैं बोलूंगा नहीं या मैं लिखूंगा भी नहीं। तीसरा उस प्रकार जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे किसी बच्चे को खड़े करने के लिए हाथों से इशारा करना, आंखों से जिस प्रकार हाथ, नाक, मुंह, आंख के द्वारा इशारे के द्वारा हम भाषा को बयान कर देते हैं, आंखों से बातें करना जिस प्रकार हम बस आवाज एवं के साधन में बस का कहाँ रुकना, कहाँ चलना, कहाँ ठहरना। तो आपने देखा ट्रैफिक रूल में लाइट होती है जिसमें हरी लाल इस प्रकार की लाइट होती है, जिसमें बस का चलना, आगे रुकना संकेत द्वारा बस रुकती है, चलती है, तो उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। किसी को दूर से अपन इशारा करते, हाथ से इशारा करना है उसको बुलाना, तो हम इसको बयान करते हैं। ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। हाथ से इशारे से किसी को बुलाना कौन सी भाषा कहलाएगी? सांकेतिक भाषा। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा। अब देखो बच्चों सेकंड नंबर पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत होता है। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो सांकेतिक होता है, लिपि होता है, रम्य होता है, कम होता है, ये मातृभाषा है। तो देखो इसका बहुत कम प्रयोग होता है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं में मौखिक भाषा और लिखित भाषा में सबसे ज्यादा कठिन भाषा कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा, क्योंकि हर कुछ लोग ही इसको समझ पाते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो इस भाषा को समझ पाते हैं, इसलिए ये सबसे हार्ड भाषा है, इसलिए इसका उपयोग बहुत क्या होता है? कम होता है। तो इसमें कौन सा अवसर है? कम वाला आएगा।
उसके बाद में बच्चों तीसरे नंबर है भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। कौन से चिन्ह? आपको मैंने कल पे परिभाषा बताई, लिखने के विशेष तरीकों को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। लिपि, लिपि क्या होती है? लिखने का एक विशेष तरीका होता है, ढंग होता है। तो लिपि, हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है, कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित होते हैं, जिसे संविधान में या उस भाषा के अंदर मानक चिन्ह होता है। जैसे मैं कल आपको ये बताया था, ए ऐसे लिखा जाता है, छोटी ऐसे लिखा जाए, लिखा जाएगा, ये विशेष चिन्ह है, उसको एक विशेष निर्धारित कर दिया है कि यहाँ पर ई को कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसा ये लिखा वैसे आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब फोर्थ नंबर देखो, भाषा का विकास के द्वारा भी हुआ है। किसके द्वारा हुआ बताओ? ध्वनियों के द्वारा। किसके द्वारा हो बच्चों? ध्वनियों के द्वारा। जब मुंह से कुछ उच्चारण करते हैं तो मुंह से कुछ शब्द निकलता है, जैसे आप करोगे ए, तो मैंने कुछ मुंह से जो उच्चारण किया ए, ये ए क्या है? जिसमें गूंज है, आपको पता चला कुछ ध्वनि हुई, तो ये ध्वनियां है। ठीक है बच्चों, फाइव नंबर, मुख्य भाषा में हम अपनी में बात कहते हैं तो क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हम अपनी मातृभाषा में बात कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है मातृभाषा क्या होती है, ये सबने क्या बताया? मातृभाषा क्या होती है? ये सभी देश में पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ में अपने अपने एरिया के अंदर नौकर स्थानीय जगह पर जिस प्रकार उसकी माँ बाप की जो भाषा होती है बच्चा वही बोलता है। जिस प्रकार आप राजस्थान में हो, राजस्थान में मारवाड़ में हो, तो आपकी जो मातृभाषा है जो घर पे बोलते हैं मम्मी, वो आप बोलोगे। अब अगर आपको बोलेंगे कि आप अंग्रेजी बोलो, तो आप उसको अंग्रेजी भाषा को एक विशेष रूप से नहीं बोल पाओगे। आप उसको बोलने से पहले सोचोगे, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन आप मातृभाषा में आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें परफेक्ट होगे, क्योंकि मातृभाषा में बोलना बहुत सरल होता है, इसलिए आपको मातृभाषा भी आपको ज्ञान हो गया। ठीक है, आप इसमें आप कल जो मैंने पढ़ाए और जो आज पढ़ाए इसके आपको नोट्स भी मैंने अभी आपको बता देंगे, और आपको घर पे ये होमवर्क करना है। ठीक है।